यूपी तक, यूपी का नंबर वन यूट्यूब चैनल। वो सैकड़ों साल हजारों साल पुराना था, उसको आप ध्वस्त करके वहाँ आधुनिक तरीके से आप मॉल बना रहे हैं। ये मॉल का स्वरूप, मंदिर का स्वरूप नहीं, मॉल का स्वरूप बना रहे हैं। ये काशी कॉरिडोर का निर्माण, जिस काशी विश्वेश्वर के मंदिर का ध्वंस औरंगजेब नामक क्रूर शासक ने किया था, जिस औरंगजेब की आरती उतारने में कांग्रेस स्वयं को धन्य पाती है, आज उस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य दिव्य निर्माण होना, यह निश्चित तौर पर समग्र भारतीयता और मानवता के लिए गौरव का विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नए रंग रूप में यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनकर संसद पहुंचे हैं, ऐसे में वो लगातार इस शहर की दशा और दिशा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। वे खुद 13 दिसंबर को इसका लोकार्पण करने वाले हैं। इसको लेकर एक किस्म से मेगा इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले इस मेगा इवेंट को लेकर राजनीति होना भी बिल्कुल लाजिम सा लगता है। ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया। कभी वाराणसी से ही पीएम मोदी को चैलेंज करने वाले कांग्रेस के नेता अजय राय ने इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर सीधे सीधे पीएम मोदी पर ही तंज कस दिया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर नहीं, मॉल बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने सीधे इसको लेकर वाराणसी की संस्कृति और सभ्यता की भी बात की। पहले सुनिए उन्होंने हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल के साथ बातचीत में क्या कहा है। काशी धार्मिक शहर है और ये धार्मिक मान्यताओं का शहर है। यहाँ कर्ण कण में शंकर हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, और यहाँ पे इसको आप इसका भव्यता जो देना चाह रहे हैं, पुराने हमारे मंदिरों को, हमारे पुराने जो हमारे देवताओं के विग्रह थे उनको तोड़कर उनको आपने हटा दिया। हमारे वटवृक्ष, जो पूरे हिंदुस्तान में 3 वटवृक्ष हैं, एक बोधगया में, एक बनारस और एक इलाहाबाद प्रयागराज। बनारस का तो समाप्त ही कर दिया आपने, वो सैकड़ों साल हजारों साल पुराना था, उसको आप ध्वस्त करके वहाँ आधुनिक तरीके से आप मॉल बना रहे हैं। ये मॉल का स्वरूप, मंदिर का स्वरूप नहीं, मॉल का स्वरूप बना रहे हैं। काशी जो 5000 साल पुराना, हमारा पूरी दुनिया का शहर, सबसे पुराना शहर, उसको आप मॉल में तब्दील कर रहे हैं। तो मॉल बनारस लोग देखने के लिए नहीं आते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आते हैं, या अध्यात्म के उससे आते हैं, शांति के लिए आते हैं और धर्म कर्म के लिए आते हैं। लेकिन सरकार का और जो काम करने वाले वहाँ पे लोग हैं, उनका तो कहना है कि ये गंगाधार से सीधे विश्वनाथ जी की जो एक पूरी दूरी थी वो एक साथ हो गई, वो ख़त्म हो गया जो जितना अवरोध था। देखिए, बाबा विश्वनाथ की दूरी ख़त्म करने की क्षमता न योगी जी के अंदर है, न मोदी जी के अंदर है। बाबा विश्वनाथ के जटा में गंगा विराजमान है, बाबा की जटा से गंगा निकली है, तो उनके सर पर विराजमान है माँ गंगा। वो माँ गंगा सदैव उनके साथ हैं, कभी न दूर थी न पास, हमेशा पास उनके साथ हैं। ये केवल एक इनकी जो एक ख्वाबी, जो इनका पुलाव है, ये सोच रहे हैं कि इसको राजनीतिक मार्केटिंग करके मॉल बना के हम बनारस की जनता को और पूरे देश की जनता को भ्रम कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि काशी की जनता धर्म भीरु जनता है, वो कणकण में शंकर को खोजती है, कणकण में शंकर को पूछती है। वो मॉल देखने के लिए, मॉल में पूजा करने के लिए काशी की जनता ने कभी मोदी जी को यह सांसद नहीं चुना। अब जब मामले में राजनीति हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इसका जवाब भी आएगा और बीजेपी भी फ्रंट फुट पे खेलने के बिल्कुल मूड में दिख रही है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने इस पर कांग्रेस को ही घेर लिया। उन्होंने कांग्रेस पर औरंगजेब की आरती उतारने जैसे आरोप लगा दिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रभु रामचंद्र हो, भगवान शिव हो, ये सारे आस्था और श्रद्धा के विषय हैं। जिन लोगों ने चुनाव के अतिरिक्त लोकतंत्र में और कुछ समझा ही नहीं, लोग चुनाव तंत्र को ही लोकतंत्र समझा, उनको हर चीज़ में चुनाव दिखाई देता है। यह भारत के प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास की सबसे अभूतपूर्व घटना है कि काशी कॉरिडोर का निर्माण, जिस काशी विश्वेश्वर के मंदिर का ध्वंस औरंगजेब नामक क्रूर शासक ने किया था, जिस औरंगजेब की आरती उतारने में कांग्रेस स्वयं को धन्य पाती है, आज उस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य दिव्य निर्माण होना, यह निश्चित तौर पर समग्र भारतीयता और मानवता के लिए गौरव का विषय है। कुल मिलाकर कहें तो चुनाव से पहले सियासत शुरू हो गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष आमने सामने है। ये भी देखने को मिला है कि पूर्वांचल को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी सक्रिय है, उसे मथने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो अमित शाह हो या पीएम मोदी हो, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बनारस लगातार रैलियां की जा रही हैं, मेगा इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष भी उन्हें खुला छूट मैदान देने की मूड में नहीं है। कुल मिलाकर चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विपक्ष लगातार हमला कर रहा है और एक बार फिर
बनारस को लेकर विपक्ष सक्रिय हो गया है। अब देखना है कि इस पूरे राजनीतिक जो उठापटक है उसमें आगे क्या होता है। चलते चलते जरूरी बात, अगर आप इस खबर को पढ़ना भी चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.uptak.in पर, और इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ।